हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फ्रेश न्यू ब्लॉग। आज बस एक छोटी सी सैड न्यूज़ है, न्यूज़ इतनी अच्छी तो नहीं है। मेरे एक जो कलीग है जो मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं, कल रात को मैसेज आया, शाम के समय, कि उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। मूड थोड़ा सा ऑफ सा लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उनसे कनेक्टेड था, बहुत अच्छे इंसान थे, तो फिर सुन के थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बट अब क्या कर सकते हैं। अभी मैं रेडी होकर निकल चुका हूँ उनकी मिट्टी में जाने के लिए। आई होप मिट्टी में तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, ना ही मैं शेयर कर पाऊँगा उन सब चीज़ों को। अभी जा रहा हूँ उनके घर पे पहले, और भी कुछ ऑफिस वाले लोग आए हुए हैं जो हम सब बिज़नेस एक साथ करते हैं, उनके घर पे ही हैं। फिर हम सब मिलते हैं एक साथ में, और जो भी हो सके हमारे तरफ से उनकी फैमिली के लिए हेल्प तो हम लोग करेंगे। जाते हैं मिट्टी वगैरह में, फिर वहाँ से आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलिए पहले उनके घर चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आ चुका हूँ घर मिट्टी से, एंड अब सीधे पहले नहाऊँगा, क्योंकि मैं पीछे से पहले जा रहा हूँ सबसे पहले तो घर के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है, मम्मी बोलती हैं शुरू से कभी मिट्टी से आओ डायरेक्ट घर मत घुसो, पहले नहा लो बाहर ही। पीछे मैं अपने आंगन में बैकयार्ड में नहाऊँगा, बाल्टी टॉवल सब कुछ रख के गया हुआ था मैं, टी शर्ट वगैरह जीन्स जो भी पहना हूँ सब खोल दूँगा, बाहर ही वॉश के लिए चला जाएगा वो। पहले अंदर नहा के लेता हूँ, उसके बाद जाता हूँ अंदर। चलिए पहले नहाते फिर आपसे। फ्रेंड्स, अब मैं आ चुका हूँ बाहर एक्चुअली, एंड नहा वहा लिया था, कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिया हूँ, और अब आया हूँ बाहर। कुछ पी लेता हूँ, पीने के लिए आ गया हूँ लस्सी, और लस्सी पीता हूँ और फिर जाता हूँ बाहर। तो शायद आज मम्मी को भी लेके कहीं जाऊँगा, तो पहले लस्सी पीता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे लस्सी पीने के लिए, अभी पीता हूँ बटर स्कॉच लस्सी जो कि घर के पास ही मिलती है, एंड इसके बाद फिर जाता हूँ बाहर। चलिए पहले लस्सी पीते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं निकल चुका हूँ बाहर एक्चुअली मम्मी को लेके, और आज थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं हम लोग, मेरा मम्मी संडे का दिन है, बाहर जाते हैं और कहीं देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं। चलिए, अब मैं खड़ा हूँ नेहरू चौक के सिग्नल पे, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं कोटा रोड की ओर। बस ये मुड़ गया मैं यहाँ से राइट, और अब ये सीधे सीधे हमको आना है कोटा रोड की ओर। आज मैं और मम्मी जा रहे हैं कोटा रोड के साइड घूमने थोड़ा सा, क्योंकि संडे का दिन है, थोड़ा वो एरिया अच्छा लगता है, ग्रीन ग्रीन फ्रेश फ्रेश। बस हम लोग सोचे कि आज थोड़ा सा घूम के आते हैं। चलिए चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ वहाँ का व्यू। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आया था मैं पेट्रोल डलवाने के लिए, पेट्रोल डलवा लिया हूँ, अब निकलता हूँ कोटा रोड में। थोड़ा सा अंधेरा तो हो रहा है, बट फिर भी घूम के आएंगे क्योंकि अच्छा लगता है। चलिए, अब यहाँ से निकल चुका हूँ और आपको मिलता हूँ कोटा रोड से। फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं कोटा रोड के ऊपर, और हो रही होने वाली बहुत जल्दी अंधेरा, ऐसा लग रहा है अंधेरा होने वाला है क्योंकि शाम हो चुकी है, एंड देखते हैं ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे हम लोग, थोड़ा दूर घूम के फिर वापस आ जाएंगे, है ना, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। ठंड का दिन है, अब धीरे धीरे आजकल शाम जल्दी होने लगती है, अंधेरा जल्दी होने लगता है। गर्मी के दिन में मम्मी लेट होता है ना अंधेरा, 7 बज जाता, और अभी तो काफ़ी लेट हो रहा है, तो देखते हैं थोड़ा दूर जाके फिर हम वापस मिल जाएंगे यूट्यूब। बट घूमना तो वही कि एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा देखते हैं, आपको दिखाता हूँ कुछ व्यूज़ वगैरह, अगर अच्छा दिखेगा तो, और फिर वापस मुड़ता हूँ यहाँ से। तो फ्रेंड्स, अभी हम वापस तो लौट रहे हैं कोटा रोड से, और कल है एकादशी, तो मम्मी को दिख गया गन्ना वाला, तो हम लोग पूछ लेते हैं गन्ना यहाँ पे कैसे दे रहा है, अगर यहाँ पे सस्ता होगा तो यहाँ से ले लेंगे, नहीं तो बिलासपुर से ले लेंगे, क्योंकि ले जाने का भी बहुत दिक्कत है। चलिए पहले गाड़ी मोड़ता हूँ, तो ये हमको दिख गया गन्ने वाला, एक बार पूछता हूँ गन्ने का कैसे रेट है। चलिए एक बार पूछते, गन्ना कैसे दे रहे हो भैया, गन्ना गन्ना 100 का 3, 100 का 3 है यहाँ पे अभी। फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ वापस एक्चुअली, गन्ने वाले से हम लोग ने रेट पूछा, और गन्ना बहुत ज़्यादा महंगा भी, और कोई मतलब नहीं इतने दूर ले जाने के, क्योंकि बिलासपुर में तो मिल ही जाएगा, वो भी हमारे घर के पास ही कई सारे लोग बेचते हैं गन्ने वाले, हम वहीं से ले लेंगे। जस्ट यहाँ पे रेट पूछने का हम लोग रुक गए थे, और कार में ले जाता बहुत, ले जाना बहुत मतलब बनता भी नहीं है उतने दूर तक गन्ना। एनीवेज, अभी हम
निकलते हैं घर की ओर और रास्ते में देखेंगे तो कुछ खाएंगे और फिर उसके बाद सीधे जाएंगे घर पे। चलिए फिर आपसे मिलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं घर के तरफ और बहुत ज़्यादा भीड़ है मार्केट में, कब से खड़े ही हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं। संडे का दिन भी है, क्या बोल सकते हैं। तो जैसे ही क्लियर होता है फिर जाते हैं जल्दी से घर और फिर शायद तक कुछ खाऊँगा डिनर वगैरह। सो पहले तो चलते हैं घर फिर देखते हैं। फिर से आ चुका हूँ मैं पनीर लेने के लिए एंड अभी लेता हूँ पनीर एंड एक दस वाला आइसक्रीम। बात भाई है अकेले, भाई पनीर दे देना, पनीर वगैरह लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। वीडियो वीडियो देख रहे हो? अच्छी अच्छी है वीडियो, अच्छी है। थैंक यू। हम लोग कहीं डाले अभी, डाल चुका, कल वाला डाल दिया, लस्सी वाला, कल वाला डालो, अभी डाले हो, देखते हैं। देखो अभी नहीं देखते ना, हाँ देखियो तभी तो डालो, तभी तो। तो ये भाई भी सब्सक्राइबर अपना, चलिए मिलते हैं सामान लेते हैं फिर आपसे। मैं आ चुका हूँ घर पे एंड खाना वगैरह सब कुछ खा लिया, पनीर वगैरह ले लिया था मैंने एंड जो भी मील था वो प्रिपेयर करके मैंने खा लिया, जैसे हेल्दी मील खाता हूँ। सो संडे आज चीट तो बनता है तो आज मैं खा रहा हूँ एक छोटा सा वेनीला आइसक्रीम जो कि अब खाऊँगा सीधे नेक्स्ट संडे को। सो अभी मीठे खाने की क्रेविंग भी हो रही थी तो बस आज के लिए यही खाता हूँ। ये मेरा चीट मील है छोटा सा लास्ट में सोने से पहले। सो कल मिलेंगे एक फ्रेश न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।